क्या आप 40 लाख रुपए का यह मोबाइल फोन खरीदना चाहेंगे? जाने इसकी खासियत। आज हम आपको कुछ ऐसी बेशकीमती चीजों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप कहेंगे कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। बाजारों में ऐसी कई चीजें उपलब्ध हैं जिनकी कीमत अत्यधिक है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बेशकीमती चीजों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप कहेंगे कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहले देखें इस मोबाइल फोन को। इस एसियर गोल्ड मोबाइल फोन से आप किसी को मेल नहीं कर पाएंगे। इसमें इंटरनेट, कैमरा, गेम्स या GPS नेविगेशन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मोबाइल जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता तो इसे खरीदने की जरूरत ही क्या है। दरअसल ये ठोस सोने का बना मोबाइल है। डेनमार्क के विक्रेता को इस मोबाइल के करीब 40 लाख रुपए में बिकने की उम्मीद है। हेलो किट्टी की ये मूर्ति 19,636 स्वारोवस्की क्रिस्टल से बना है। बिक्री के लिए इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए रखी गई है। इस हैंड बैग में 9.84 कैरेट के 242 डायमंड जड़े गए हैं। क्या आप गहनों की जगह इसे खरीदना चाहेंगे? खूबसूरत डिजाइन वाले इस फूलदान के 70 करोड़ से 105 करोड़ रुपए में बिकने की उम्मीद है। नेपोलियन बोनापार्ट की मौत के बाद के चेहरे वाले इस मुखौटे की नीलामी से 41 लाख से 62 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है। कुशन के आकार का 16.08 कैरेट का ये गुलाबी डायमंड 157 करोड़ से 191 करोड़ में बिकने की उम्मीद है। 100.20 कैरेट के इस डायमंड रिंग के 133 करोड़ से 170 करोड़ में बिकने की उम्मीद है। क्या आप खरीदना चाहेंगे? स्टील के बने इस जिम बीम JB टर्नर ट्रेन की आकृति की नीलामी 170 करोड़ से 239 करोड़ में होने की उम्मीद जताई जा रही है। 17वीं सदी से पहले मैडगास्कर में पाए जाने वाले और अब विलुप्त हो चुके एलिफेंट बर्ड के इस अंडे की बिक्री के बाद करीब 21 लाख से 31 लाख रुपए मिलने की संभावना है। 1984 में बने माइकल जैक्सन के इस काले फेडोरा टोपी की बिक्री से 3 लाख से करीब 4 लाख रुपए के मिलने की उम्मीद है। बाजकस लास है।